भर्ती में लगातार बड़ी कार्रवाई, 63,000 नई शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में खबर देंगे यूपी के में। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। जैसा कि पता है कि लगातार हम उन्नत शिक्षक भर्ती को कवरेज कर रहे हैं, पहले जान लेते नई शिक्षक भर्ती के बारे में लोगों की क्या राय है। तो यहाँ पर प्रवीण कुमार जी ने क्या लिखा है वो जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा तमाम कोचिंग माफिया रोज इनबॉक्स में मैसेज भेज कर कहते हैं नई भर्ती आने के संबंध में ट्वीट करिए कि भर्ती आने वाली है, सिलेबस बदल गया है, इतनी तारीख को ये होगा, उतनी तारीख को वो होगा। ये सब बेरोजगारों को बरगलाने के तरीके हैं, माफ करना मैं नहीं ये कर पाऊंगा। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अभी कोई भी नई शिक्षक भर्ती की बात नहीं है। वहीं पर प्रशांत तिवारी अर्नब जी ने कहते हैं कोचिंग से जुड़े कुछ दलाल भी बता रहे हैं भर्ती आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई संजू भैया लिख रहा है तो कोई अभी संजू का अनुपात सही था, कैसे सही होगा, नौकरी देनी है नहीं देनी बिजनेस प्लान है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि अभी फिलहाल नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है वो एक ऑफिशियल जानकारी फिलहाल जब होती है तभी कंफर्म किया जाता है, लेकिन लगभग इतना तय है जिस हिसाब से अधिकारियों से वार्ता के अकॉर्डिंग और जो माहौल को देखते हुए जो बात निकल कर आ रही है उससे ये तो लगभग कन्फर्म है कि जो लोकसभा चुनाव से पहले 63,000 की नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। ऑफिशियली आदेश तक का वेट करिए, लगातार अपनी तैयारी करते रहिएगा जिससे कि आप जब भी भर्ती आए आप शिक्षक बन पाए। मैं बता दूं कि बेसिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी और यहाँ पर 69,000 भर्ती के तहत हुई थी, जनपद में 1691 की तैनाती संबंधित बोर्ड और विद्यालय की, तो फिर से सक्रिय होगी जांच टीम। यहाँ से जांच द्वारा से सक्रिय हो गई है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती की फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर नौकरी प्राप्त करने के मामले प्रकाश में आने पर शासन ने सभी जिलाधिकारियों से जनपदीय स्तरीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो कि समय पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक कर उनका मूल्यांकन करती रहेगी। जनपद में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, इसे सक्रिय करने के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। कुछ अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिल पा रही है जो सही है, अब इन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट वालों ने जो ज्वाइनिंग ले ली है, तो इन ज्वाइनिंग लेने की वजह से जो जो शिक्षक बनने के योग्य थे वो नहीं बन पाए, वो कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर हो गए और वो आज संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो फर्जी डॉक्यूमेंट से प्रमाण पत्रों से जॉब लेके, जैसे कि 1691 शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की आशंका है, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 1691 पदों की, तो अगर इसमें से अगर 50% भी फर्जी निकलते हैं या 10% भी, तो कितने सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने के काबिल थे लेकिन वो शिक्षक नहीं बन पाए। प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, इसके बाद इनके प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। इन सभी के प्रमाण पत्र सत्यापित के लिए संबंधित बोर्ड विद्यालय को लिखा गया है, और कुछ शिक्षक इसमें ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण हो चुका है, संबंधित BSO को भी पत्र जारी किया है इन्होंने, और बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 के तहत परिषदीय विद्यालयों में BEd डिग्री धारकों की, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें कितना नुकसान है, लगातार OBC आरक्षण को लेकर परेशान है अभ्यर्थी, 6800 की लिस्ट जो आई है वो भी फंसी हुई है, अगर कुछ फर्जी निकल जाते हैं तो वो तो सीट तो खराब कर ही गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका हनन हो रहा है, और जल्दी ही ऑर्डर भी आएगा, फिर सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी, आंसर की मुद्दा चल ही रहा है उस पर, सरकार अभी तक कोई फाइनली अपडेट नहीं दी है, और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।